किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खीरे का जूस या कुकुम्बर जूस। तो जूस हमारे स्पेशल है, तो देखिए बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो ये लिए हैं मैंने दो खीरे, जिनको इस तरीके से छील के छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही लिया है मैंने 1/4 कप के लगभग पुदीना और धनिया, दोनों को अच्छे से धो लिया है। साथ ही लिया है कुछ आइस क्यूब और लिया है 1 गिलास पानी, ठंडे पानी का यूज करें। और साथ ही लिया है मैंने 2 चम्मच चीनी। आपको पसंद हो मीठा जूस तो ही यूज करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं और चीनी की जगह शहद का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही लिया है मैंने 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 नींबू का रस और 1/2 छोटा चम्मच लिया है मैंने काला नमक। तो सबसे पहले इन सब चीजों को कर लेते हैं हम मिक्स। यह एक जूसर जार, इसमें डाल देते हैं हम सारे खीरे के पीस। साथ ही इसमें डाल देते हैं हम पुदीना और हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो ही यूज करें, ना हो तो आप ना यूज करें, जरूरी नहीं है कि आप यूज ही करें। साथ ही डाल देते हैं हम काली मिर्च, नमक और नींबू का रस और शुगर। और इसमें डालेंगे आप 1/2 गिलास पानी, 1/2 गिलास का हम बाद में यूज करेंगे। लगा देते हैं हम लेड और पीस लेते हैं। पर मैंने इसे पीस लिया है, अब इसमें डाल देते हैं हमने जो पानी बचाया था वो। और इसमें अब डाल देते हैं और इसको वापस से पीस लेते हैं। जूस हमारा हो गया है बनके तैयार। इसे मैं एक बार छान लेती हूँ ताकि कोई बड़ा पीस या कोई टुकड़ा रह गया वो ये पत्ते वगैरह का, तो इसे हम छान लेते हैं। लिया है एक बर्तन, उस पर मैंने लगा दिया स्ट्रेनर, अब इसको हम छान लेते हैं। देखिए जो कचरा बचा था उसको मैं हटा देती हूँ और जूस हमारा बनके हो गया तैयार। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। मैंने लिए है 2 गिलास, इनमें हम डाल लेते हैं हमारा कुकुम्बर जूस। एकदम फ्रेश बनके तैयार हो गया है, आप जरूर बना के देखिए घर में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।